नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडियन न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। अयोध्या थाना कोतवाली नगर के गंजा गांव में गैस एजेंसी के गोदाम इंचार्ज की गोली मारकर हत्या करते हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। लुटेरों ने गोदाम इंचार्ज के बैग की लूट की है। लूट के दौरान छीना झपटी में लुटेरों ने 3 फायर गोदाम इंचार्ज पर किया है। गैस गोदाम अयोध्या के प्रतिष्ठित बीजेपी नेता का। पुलिस ने हत्यारे लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए कई टीम बनाई है। अयोध्या में बदमाशों के हौसले बुलंद है। लुटेरे बदमाश कानून से बेखौफ है। मामला कोतवाली नगर के हवाई पट्टी से थोड़ी दूर का है, जहां नीले कलर की मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने लूट के इरादे से जीडी गैस गोदाम में गोदाम इंचार्ज से रुपयों से भरा थैला छीनना चाहा। लूट के इरादे में कामयाबी नहीं मिलती देख बदमाशों ने गैस गोदाम इंचार्ज रामपाल पर फायर कर दिया। अयोध्या से अश्वनी सोनकर की रिपोर्ट। तीन लोग नीली नीली अपाची थी, आए बस वो को बोलते हैं मार धर धर। मैं उतरा गाड़ी पर से कूदा, फिर जब कूदा मैं भी दौड़ा तो मुझे मारने, तो मैं पीछे भागा तो हरिलाल भैया विक्रम में थे तो वो भी दौड़े तो आगे निकल गया था काफ़ी, तो उसको दौड़ाए तब आगे वाले जो पुरवा वाले थे दुकान उकान वाले वो चीने, हम कहें भैया पकड़ लो ना, बस उन भाग गया। कुछ बैग वैग भी ले गए? हाँ बैग ले गए। बैग में क्या पैसा था? क्या था? अब जोन था हमें तो नहीं मालूम था बैग में पैसा वैसा था। कितने लोग थे? 3 लोग थे। किस चीज से थे? नीली नीली बाइक से। किस रंग की बाइक थी? क्या नाम है? नीली नीली बाइक थी। लड़के सब थे? हाँ सब लड़के थे। क्या नाम है हमारा? राजकुमार यादव। ये क्या बोलते हैं हवाई पट्टी जो पीछे जो जीडी गोदाम, जो जीडी गोदाम है वहीं। तुम क्या करो? तुम करते क्या हो? हम वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। हाँ मतलब हम काम करते हैं। पर ये गैस एजेंसी है, वहाँ पर ये जो लोडिंग अनलोडिंग कर रहे थे यहाँ पे अपनी गैस की, और वहाँ पर लोगों को बांट रहे थे, उसी में 3 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और उन्होंने गोली मारी है और इनसे जो बैग था वो छीन के ले गए हैं। तो इसमें जो वो है उनकी मौत भी हो गई है, रामपाल उनका नाम है। अब यहाँ पर मौके पर आकर छानबीन की जा रही है और उस गैस में जो बैग था उसमें 15,000 रुपए के आसपास जो है मालिक ने बताया है अभी तक। आगे जो है उसमें FIR दर्ज की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी, जल्दी ही इसका मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। जो घटना है गंजा गांव है, ये सिटी कोतवाली में पड़ता है, निर्जन इलाका है, और यहाँ पर एक गैस एजेंसी के जो लोडर है वो अनलोड हो रहा था और उसमें यहाँ पर गैस जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सड़क पर ही ये लोग बैठे हुए थे और एक ट्रिपल सवारी लड़के आए और इनको 3 गोली वहाँ पे उन्होंने फायर किया है। मौके पर मैं आया हूँ और यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं मौके पर कि यहाँ पर कौन क्या क्या क्लू मिल सकते हैं और जल्दी ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिसको गोली लगी है क्या वो उसकी डेथ हो गई है? वो अस्पताल में उसको ले जाते हैं तो इमीडिएटली उसका हॉस्पिटल रश कराया गया था, उसकी वहाँ पर डेथ हो गई है। अब इस मामले का पर्दाफाश जल्दी किया जाएगा। क्या कोई कैश की भी लूट हुई है? बता रहे हैं कि उसके पास में एक बैग था बट उसमें जो अभी मालिक से बात हुई है तो लगभग 15,000 रुपए के आसपास बता रहे हैं। तो अब आगे इसको देखा जाएगा कि इसमें कितना क्या पैसा था और क्या मोटिव था और इसमें वास्तव में घटना क्या है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।